ये हमारा 45, ये 45 90 का एंगल बनाता है, ये हमारा 30 हो गया, 60 हो गया, ये बना दिया। अब हम यहाँ एलिप्स जो है स्ट्रेट स्पर्श बनाना, कोई दूसरा सिस्टम अपनाएगा नहीं। तो एलिप्स जब हम लोग बनाएंगे तो एलिप्स बनाने के लिए 8 मेथड है, यानी एक ही बार को हम वो 8 तरीका से करेंगे। तो हम पहला स्टेप हम सीख रहे हैं कि हम लोग अगर कोई सम समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं तो उससे कैसे एलिप्स बनाते हैं। और परीक्षा वगैरह में जो आता है 4 पॉइंट एलिप्स ज्यादा आता है, यानी 4 को पॉइंट लेना है, एलिप्स बना देना है। तो हम लोग अभी सिंप्लीफाई जो है साधारण तरीका से जो बनाते हैं ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा हमारा ये ड्राइंग शीट पेपर है उसमें बीच पेज से नीचे, ज्यादा ऊपर पोस्टर नहीं बनाएगा तो ऐसे फिर हम एंगल खींचेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये बीच ड्राइंग शीट पेपर, तो इसको हम रखेंगे, अगर नीचे कुछ है नहीं नजर आ रहा तो खड़ा होकर देख सकता है, हो सकता है ये वाला तो नहीं नजर आता होगा तो कोई दिक्कत ना, खाली आवाज नहीं करना। तो हम मान लिया कि यहां से ऐसे रख दिए, रख दिए ना। आप इस पर क्या करते हैं, ये लाइन है, ये लाइन को हम लोग क्या करता है कि ये गार्ड लाइन है। गार्ड का मतलब का अनुमान लगाना है। हमने नहीं कहते परीक्षा के लोग गार्ड खरीद ले, परीक्षा के लोग गार्ड खरीद ले, हमने कहा कि परीक्षा में जो आए वाला सवाल है वह अनुमान लग जाएगा। बहुत सारा गेस्ट पेपर पीछे रहता है तो गार्ड मतलब हुआ अनुमान लगाना। ये हमारा अनुमान लगाएगा, ये इस तरह से रखेगा। तो जब इस तरह से रखेगा तो इसमें हमको ये ध्यान देना है, तो जब ध्यान देंगे तो ये काम होना चाहिए कि ये हो गया। इसका क्या काम है, सिर्फ इसका काम है कि अगर ये हटा लिए तो फिर यही चीज पर रखे। अगर ये लाइन हम गार्ड लाइन नहीं बनाए तो कोई आदमी इन्हें रख दिया तो कोई इन्हें रख दिया तो फिर एक फिक्स होगा। तो ये हमारा सिर्फ बेस लेने का काम करता है, आज इसका विशेष कोई काम नहीं है। अब यहाँ तो ऐसे लगा तो सब ऐसे लगा लिया, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला लाइन को यहाँ से लगाए। अभी देखिए यहाँ पे यहाँ से ऐसे रखे तो ये वाला यहाँ से नहीं लगाएगा। आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर सेंटीमीटर बनल है, हम मीटर ये बना हुआ है तो सेंटीमीटर एमएम बना, ये वाला इसको हम सटाया तब सही रखेगा। कोई ऐसा नहीं मिस्टेक करेगा कि ऐसे रखे घीच दिया, ओकरा लगेगा कि ये सही रखे ऐसे ही रखे, दोनों में डिफरेंट है। तो ये जब हम यहाँ से रखे तो ये हमको कंप्लीट हो रहा है कि 30 का एंगल बन रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये एंगल ऐसे किए तो ये वाला हम लोग खींचे, एक लाइन खींचाया। तो हम लोग ये पूरा तरीका से हमको ध्यान देना कि ये इस तरह से रखना है। अब यहाँ से इसको हमने ऐसे रखा, तो ऐसे पहले रखा फिर इसको इस तरह से पलटे, इस तरह से पलटे। आप ये वाला यहाँ कहीं भी पॉइंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कोई यहाँ इसी तरह तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां से इसको रखा, अब ये लाइन भी यहां से पार दिया ना। अब यहां से पार दिया तो ये वाला लाइन है। अब इलिप्स बनाना है तो उसमें डायमेंशन दिया रहता है माप, 40, 50, 60 कुछ भी दिया रहेगा तो उसमें डायमीटर रहेगा, तो डायमीटर मैंने ब्याज यानी एक ही कोई डायमीटर रहेगा। तो मान लिया कि कहा कि 60 डायमीटर का बनाना है या डाया 60 लेना है, 40 लेना है, जो भी सवाल कहेगा वो हम नाप लेंगे। यहां से मान लिया हमको 60 लेना है तो 60 यहां से हम नाप लेते हैं, यहां से 60 नाप लेंगे तो यह हमारा 60 यहां से आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हमारा 60 यहां आ गया, 60 हो गया। और इसको भी हम यहां से नाप लिए तो ये हमारा 60 यहां तक हो गया, ये दोनों तरफ से हम यहां से यहां 60 और इधर से इधर 60 नाप लिए। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए लिखना है, ये ऐसे लिखा नहीं जाता, ये रॉन्ग मेथड है, लेकिन समझने के लिए। अगर इतना लिखेंगे ना तो 10 बार माथा फुकाएगा, कितना लिखे तो हम लिख दिए, लेकिन ऐसे लिखना नहीं है, दिमाग में रखना, बस समझे। अब इसको हम लोग फिर यहां से हटाए तो इसको सेट कर लिए, आप सेट कर लिए, आप यहां से ऐसे रखे थे ना तो ऐसे तो है, तो इसको ऐसे रखे थे तो इसको हम लोग क्या किए, स्लाइड कर लिए, आगे खिसका लिए और ये वाला एंगल पे यहां से हम लोग ड्रा किए, ये वाला यहां से ड्रा हो गया। हमने कुछ नहीं किया, इस लाइन का इसका पैलर ही खींचा और कोई मेथड लगाया नहीं। अब ये वाला स्लाइड को तो ऐसे रखा तो कैसे हम सेट कर लिए, आप ये वाला को घसका करके यहां लाएंगे, तो जब इसको स्लाइड करके हम यहां ला रहे हैं तो ये वाला लाइन जो है ये यहां से यहां तक जाएगा, ये वाला पूरा जो लाइन है ये यहां से यहां तक जाएगा, तो ये यहां तक गया, ये पूरा मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला जो लाइन है यहां से इसको हम लोग यहां से मिला दे रहे हैं, तो जब यहां से ऐसे मिलाएंगे ये लाइन जो हमारा है ये यहां से मिलेगा, ये लाइन जो हमारा यहां से मिलेगा तो मिल करके पूरा जो है ये यहां तक जाएगा। तो ये वाला थोड़ा सा और सुधार लेंगे, ये वाला थोड़ा और सुधार लेंगे, तो यहां से ये लाइन है ये वाला परफेक्ट होता है, वो सब
बोर्ड रूलर को दिक्कत नहीं होगा खींचने में, ये लाइन हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि ये दोनों पॉइंट बाद में मिटा सकते हैं, ये दोनों पॉइंट को हम लोग यहां से मिला देंगे। तो इस पॉइंट को तो हम हल्का लाइन से मिलाएंगे, हल्का मैंने समझता हाँ हाँ कम डिप होना चाहिए, ये लाइन को हम हल्का यहां से मिला दिए, हम हल्का यहां से मिला लिए। अब इसमें हम यहां से सेट किए तो फिर यहां से किए, ये वाला तो लाइन इस तरह से है ना, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट से मिला करके इसको यहां से लाइन को ऐसे मिला दिए, और फिर इसको जो है यहां से ऐसे मिला दिए, तो ये वाला लाइन यहां से ऐसे चल गया, ये पूरा हो गया। अब हमको क्या करना है, ये वाला पॉइंट एक हो गया, पॉइंट दो हो गया, तो एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहां ए लिख देते हैं, यहां बी लिख देते हैं, तो यहां से इसको हम लोग मिलाए, यहां से मिलाएंगे तो ये डॉट लाइन से मिलाएंगे, यहां से डॉट मिला है, ये वाला डॉट मिला तो यहां से आया, ये वाला पॉइंट आ गया, यहां से यहां सबसे बड़ा लाइन है, सबसे बड़ा पॉइंट बना रहे हैं, ये पॉइंट हमको कोई मतलब नहीं है, बीच वाला से मतलब नहीं है, तो यहां से ऐसे रख दिया, ये वाला हो गया। अब ये वाला एक वाला पॉइंट से बी को हम मिलाएंगे, तो यहां से इसको रखे तो ये वाला भी ऐसा आ गया, तो इसका यहां पॉइंट मिला, मैंने ए को हम लोग ए को वन से मिलाया, और इसके बाद जो है ए को बी से मिलाया, तो बी से मिलाया तो हमारा पॉइंट क्या बना, पॉइंट बना ना, तो ये जब हम लोग मिलाए तो पॉइंट हमारा बना, तो इसमें भी पॉइंट बना, तो पॉइंट ये बन गया, इसको कुछ भी मान लेंगे, और इसमें भी हमको पॉइंट बना। अब हमको क्या करना है कि हमको यहां से कैसे मिलाएंगे तो कि कम आएगा, कोई लड़का दो को यहां से मिला दिया, यही पॉइंट आ रहा है कि नहीं, कहीं कहीं बुक में इतना भी किया हो रहा था तो कोई दिक्कत इससे नहीं है, ये वाला भी यहां मिलाएगा ना तो यही आया। आप एक से भी पॉइंट खोल सकता है, दोनों से भी खोल सकता है, दोनों से खोलेंगे तो कहीं गलत होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन गलत नहीं है तो ठीक है। अब ये वाला तो यहां से मिला तो भी पॉइंट ये आ रहा, देखो तो यानी हम लोग यहां से चेक किए कि पता चला कि पॉइंट सही है, पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको कंपास लाओ, कंपास नहीं रखा, कंपास नहीं लगा, कंपास और पेंसिल लाओ। अब हमको क्या करेंगे कि हमारा पॉइंट एक हो गया, ये दो पॉइंट हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, यही चार पॉइंट से काम करना है, तो हमको एलिप्स बनाना है, तो हम पहले क्या रखेंगे, एक पॉइंट से रख करके कंपास को हम लोग क्या करेंगे, कंपास को एक पॉइंट से एक तक फैलाएंगे, तो एक तक फैलाएंगे, तो यहां से पॉइंट रख लिया इसको यहां से, और इसको यहां तक फैला दिया, यहां तक फैला दिया, फैला ना, तो यहां से एक पॉइंट यहां तक फैला दिए, तो ये वाला काम यहां से करेंगे तो ये वाला यहां से मिलेगा, ये वाला यहां मिलेगा, तो यहां से जब हम लोग किए तो ये देखो तो यहां से वाला कैसे मिला कि नहीं, तो ये वाला लाइन को यहां से इतना पारेंगे, ए से बी तक पार है दादा, नहीं यहां से ए से बी तक पार दिए, तो ए से बी तक पार लिए, तो ये वाला लाइन यहां से ऐसे चला, ठीक। और फिर हमारा यही काम यहां से करेंगे, यहां से करेंगे तो ये वाला यहां से चला तो ये वाला भी तो उतना है ना, तो ये वाला भी लाइन को यहां से मिलाएंगे तो देखो यहां से मिल रहा, तो इसको भी हम यहां से मिलाएंगे, तो ये वाला लाइन को भी यहां से हम लोग मिलाएंगे, तो हमारा एक और दो पॉइंट से लाइन को हम लोग ड्रा कर दिए। अब तीसरा पॉइंट को रखेंगे तो कंपास में हम लोग तीसरा पॉइंट को रखेंगे तो कंपास को थ्री पॉइंट से ए तक लगा, ए तक फैलाएंगे, तो ए तक फैलाएंगे तो थ्री पॉइंट रहा है, और इसको हम लोग इतना करेंगे तो इतना किए। अब यहां से रख के हम इसको काम कर रहे हैं तो ये वाला जो हमारा है ये देखो यहां से वाला पूरा इसे मिल रहा कि नहीं, तो इसको हम लोग यहां से मिला दिए, ये हमारा यहां से ऐसे मिल गया, ये यहां से मिल गया, और यही काम इसमें हम कर रहे हैं, चार को बीच मिलाएंगे ये वाला भी पॉइंट यहां से ऐसे मिलेगा, ये वाला जो है यहां से जो है ये भी यहां से पॉइंट देखो ऐसे मिल रहा, मिला कि नहीं, ये वाला यहां से ऐसे मिला तो इसको मिला कर, ये हमारा इस तरह से यहां जो है ये यहां से मिल गया, ये हमारा एलिप्स बन गया। बाकी सब लाइन जो फालतू है ये सब लिखना नहीं जरूरत है, ये सब लाइन को हटा दी, समझने के लिए हमने लिखा था, आज ये वाला लाइन को हटा दिए,
अब हमको डायमेंशन देना है, तो डायमेंशन देना है, यहां से ऐसे रख लिए और ये लाइन को यहां से पार किए, यहां पर ये गैप है, डायरेक्ट नहीं खींचा हुआ है, 1 mm का स्पेस है, अब फिर यहां से लाइन को यहां से खींचे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 10 mm दे लेंगे, 10 पर यहां से कर दिए और फिर यहां से 10 पर यहां से कर दिए, भाई दोनों लाइन को हम लोग यहां से ड्रा करेंगे, ये ड्रा हो गया, ये तो हमारा लाइन बना, ये डायमेंशन लाइन बना, इसका नाम है डायमेंशन लाइन, यहाँ बीच में यहाँ डायमीटर लिख दिए और कितना 60 का था। यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे, एक गार्ड लाइन पार लेंगे, यहाँ से गार्ड लाइन पार दिया और ये इतना गार्ड लाइन पार दिया 8 mm का, यहाँ इलेक्ट लिखेंगे एकदम सुंदर अक्षर में, EELI एकदम जितना सुंदर हो सके उतना में, ये दोनों लाइन पार है, दोनों समानांतर लिखा है ना, फिर आप ये क्या करेंगे और डायमेंशन आर EMM लिख देंगे, अब ये हमारा पूरा इलिप्स बना, तो इतना हमको काम करना है, इतना में कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इतना काम है, आसान है, समझ गया ना आप, फिर से हम लोग बनाएंगे एक बार ट्राई करेंगे तब काम हो जाएगा।